माझी नीतीश की मुलाकात के बाद अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि जल्दी ही नीतीश कुमार से हाथ छुड़ाकर माझी एनडीए का हिस्सा होने जा रहे हैं। इसको लेकर आज ही सुबह एक बड़ा दावा पृथ्वी माली ने किया कि माझी एनडीए के संपर्क में हैं और जल्दी ही वो इस तरफ आने का फैसला ले सकते हैं। वैसे भी माझी जी की एक दो नहीं लगभग आधा दर्जन मांगे महागठबंधन में लंबित हैं। नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता की बात जरूर करते हैं, लेकिन उनके साथ साथ लगातार रहे माझी जी को वो साथ लेकर चलने की बात नहीं कर पाते हैं। किसी भी विपक्षी मंच पर अब तक माझी नज़र नहीं आए हैं। इसको लेकर बताया जा रहा है कि माझी काफ़ी नाराज़ है और उस नाराज़गी के चलते सीटों की डिमांड भी उन्होंने वक्त से पहले ही रख दी है। अब इन सारी मांगों पर माझी के कोई चर्चा महागठबंधन में नहीं हो रही है। यहाँ तक कि नीतीश कुमार ने उनसे बातचीत करने के लिए विजय चौधरी को भेज दिया। इससे नाराज मांझी अपने विधायकों के साथ नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुँचे और इसके बाद से ये चर्चा गर्म हो गई है कि मांझी अब एनडीए में आने वाले हैं। इस पूरे मामले पर पशुपति पारस की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवयानी मित्रा ने अब एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने भी ये बात कह दी है और कन्फर्म कर दिया है कि जीतन राम मांझी अब एनडीए में आने की तैयारी कर रहे हैं और विधायकों सहित जल्द ही वो एनडीए का हिस्सा होंगे। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं वो। 23 जून को फिर से महासम्मेलन होने वाला है। चारों तरफ हम लोग देख पा रहे हैं, जहां पे ललन सिंह जी और हमारे ऑनरेबल डेप्यूटी सीएम के कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फिर से बताया कि जो 12 जून को जो आपका कैंसिल हो गया था वो 23 जून को होने वाला है। मजेदार बात तो ये है कि कितना बार डेट पे डेट आप लोग देते रहेंगे, और देखने की बात ये भी कि कितने लोग 23 जून को पटना में आते हैं, और महागठबंधन ने जो महासम्मेलन का प्लान किया है, कितने स्टेट के सीएम जो आते हैं, फाइनली सब लोग मिलके पीएम का उम्मीदवार मोदी जी के अगेंस्ट किन को खड़ा करते हैं। साथ में ये भी तो है कि सुनने में तो ये भी आया कि मांझी जी कल अपने सारे विधायकों के साथ हमारे ऑनरेबल सीएम साहब से मिलने भी गए थे, और सीएम साहब से मिलने के बाद मुझे तो ये लगता है कि भाई उन्होंने ये चेतावनी दे दी, या तो 5 सीट दीजिए या तो फिर हम जा रहे मेरे घर वापस एनडीए में। और हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि भाई मांझी जी जो इतने क्या कहते अच्छे और एक इतने मजे हुए नेता और एक समय बिहार के सीएम भी थे, उनके साथ भी आजकल हमारे ऑनरेबल सीएम साहब थोड़ा सा नाइंसाफी कर रहे, थोड़ा सा कि मैं तो बोलूंगी पूरा ही कर रहे, नहीं तो पूरे विधायकों को लेके सीएम साहब को मिलने जाने का मतलब कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी एक प्रेशर आ रहा है कि मांझी जी ने जो क्या कहते दावा किया है कि भाई मुझे 5 सीट तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, उसके ऊपर शायद फाइनल कोई चीजें सामने आए। लेकिन मैं तो बोलूंगी मांझी जी आप डिजर्व करते दोबारा एनडीए में वापस आना, और मुझे ऐसा लगता भी है कि आज नहीं तो कल मांझी जी अपने पूरे विधायकों के साथ फिर से एनडीए में घर वापसी करेंगे। और साथ साथ ये भी है कि कुछ लोग तो अभी तक डिसीजन भी नहीं ले पाए, महागठबंधन में है कि गठबंधन में कि राज्य सरकार केंद्र सरकार में कहीं पे भी नहीं है। तो आप जब तक डिसीजन नहीं लेंगे और आप इधर उधर करते रहेंगे, कहीं ना कहीं आप अपने पॉलिटिकल करियर को खतरे में डाल रहे हैं। और ये भी बात है कि हमारे ऑनरेबल सीएम साहब को भी ये समझना पड़ेगा, अगर आप पुराने लोगों का साथ आपको नहीं मिल रहा है, आई एम नॉट श्योर कि 23 जून कितना ज्यादा सक्सेसफुल आपका महासम्मेलन होने वाला है, क्योंकि लोग अभी भी खुल के आपके जितने भी महासम्मेलन में जितने भी दल आपके साथ पार्टिसिपेट कर रहे, कोई भी खुल के अभी तक आपका नाम पीएम पद के लिए घोषित नहीं किया है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे को घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।